तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू फिक्शन वॉर का एपिसोड 7। जिसने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे फिक्शन वॉर के, वो जाके देख लीजिए। और जो कि ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं, मैं उसको बता दूं कि ये मेरी खुद की एक ओन स्टोरी है जो कि मैं खुद ही नरेट करता हूँ। ना इसकी कोई एनिमेशन है, मैं सिर्फ इसको नरेट करता हूँ। तो अगर आपको एनिमेशन वाली वीडियो चाहिए तो गाइस प्लीज़, मैं वो नहीं बना सकता हूँ, सॉरी। मैं आपको सॉरी मांगना चाहूँगा बहुत सारे। तो हाँ, तो आज की वीडियो तो आपको पता ही, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जिसने मेरे पहले के फिक्शन वॉर के एपिसोड देखे होंगे उसको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो बिना किसी बकवास के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली बार मैंने बताया था कि वो ईवल गॉड आ जाता है, तो क्या इसमें आप सबका सस्पेंस अब ख़त्म करूँगा। वो ईवल गॉड आ जाता है, अपने सीट पर बैठ जाता है। और अब वो ईवल गॉड, जो वो ओमनीपोटेंट गॉड है, वो खुद अपने सारे मैसेज अपनी आँखों से देखेगा। तो वो ईवल गॉड होता है अपना आर्कॉन। उसको देखकर सारे के सारे डर जाते हैं, सारे के सारे सोचते कि आर्कॉन जिंदा कैसे हुआ। फिर ईविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि जब तुमने आर्कॉन को मारा था तब आर्कॉन वापस जिंदा हो गया था। और आर्कॉन ने कड़ी ट्रेनिंग से, एक बहुत ज़्यादा मेहनत से अपने आप को एक ओमनीपोटेंट बींग बनाया। पर तभी अपना जेनो वहाँ अपने आर्कॉन को, अपने जेनो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, अपने आर्कॉन को मारने जाता है। पर आर्कॉन सिर्फ एक ही पंच में नहीं लगाता, सिर्फ अपने एक उंगली के वेव से जेनो को पीछे धकेल देता है और अपने फॉर्म दिखाता है, जिस फॉर्म का नाम होता है अल्फा ड्रैगन आर्कॉन। अल्फा ड्रैगन आर्कॉन एक ऐसी फॉर्म है जिसमें आर्कॉन एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाता है। आर्कॉन कहता है मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, पहले अपना टूर्नामेंट स्टार्ट करो। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, ग्रैंड प्रिंस बुलाता है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के जीरन और डीसी यूनिवर्स के डार्क साइड को, दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। डार्क साइड, ओके सॉरी मैंने जीरन बोल दिया, नहीं अपने ड्रैगन बॉल के बीरस को और अपने डार्क साइड को। हाँ, तो बीरस डार्क साइड के बीच फाइट स्टार्ट होती है। बीरस सबसे पहले एक पंच मारता है डार्क साइड को, जिसे डार्क साइड 2-4 पहाड़ तोड़ के जाकर गिरता है। पर डार्क साइड को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। डार्क साइड ओमेगा बीम फायर करता है और अपना बीरस एक की ब्लास्ट को तैयार करता है और अपने डार्क साइड के ऊपर फेंक देता है। पर डार्क साइड उसे बच जाता है और डार्क साइड एक ज़ोरदार पंच बीरस के मुँह में मार देता है, जिससे बीरस ज़मीन में धंस जाता है। डार्क साइड बहुत पावरफुल होता है। अब डार्क साइड अपनी फुल पावर्स को अनलीश करता है और टेलीकिनेसिस की पावर से आसपास के पत्थर को उठाकर आग में बदल देता है और अपने बीरस के ऊपर फेंकता है। पर बीरस इनसेस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके डार्क साइड के पीछे जाता है और ज़ोरदार किक डार्क साइड के फेस पर मार देता है, जिससे डार्क साइड ज़मीन पर धंस जाता है। और बीरस डार्क साइड की सर को पकड़कर बाहर निकालता है और डार्क साइड को स्पेस में फेंक देता है। पर डार्क साइड अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने टेलीकिनेसिस की पावर से बीरस को हवा में लेविटेट करा देता है और बीरस को ज़मीन पर ज़ोरदार पटकता है। और आसमान से एक एस्ट्रॉइड बीरस को ऊपर फेंकता है, पर बीरस उसे अपने थॉट से ही इरेज कर देता है। अब बीरस डार्क साइड को ज़मीन पर ज़ोरदार मुक्का मारता है, जिससे डार्क साइड भी हिल जाता है और डार्क साइड के मुँह पर खींच के पंच मार के वो डार्क साइड को ज़मीन पर लिटा देता है और डार्क साइड के ऊपर हकाय करने लगता है। जैसे डार्क साइड के ऊपर वो हकाय करने लगता है, डार्क साइड एक ज़ोरदार किक बीरस के पेट पर मारता है, जैसे बीरस बहुत दूर जाकर गिरता है। और अब डार्क साइड बीरस के पेट के ऊपर चढ़ जाता है और बीरस के मुंह के ऊपर लगातार पंचेस मारते रहता है। बीरस के मुंह से खून आने लगता है और ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में टेंशन होने लगती है। पर बीरस अपनी मुंह से एक एनर्जी बॉल फायर करता है, जिससे डार्क साइड दूर जाकर गिरता है। और बीरस भी अपनी, अब बीरस के जो सारे कपड़े होते हैं वो फट जाते हैं और बीरस अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है। अब बीरस बहुत इजीली डार्क साइड को ओवर पावर करने लगता है। डार्क साइड एक भी पंच बीरस को नहीं मार पा रहा होता है। बीरस ज़ोरदार पंचेस डार्क साइड को बरसा रहा होता है और डार्क साइड ज़मीन पर धंस जाता है। और अब बीरस एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रक्टिव बॉल क्रिएट करता है और डार्क साइड को मार देता है। पर डार्क साइड भी अब अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और उस एनर्जी बॉल को ही एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस अपने बीरस के ऊपर फेंकता है, जिससे बीरस को भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। अब बीरस अपनी अल्ट्रा इंचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसको उसने पूरी तरह से मास्टर नहीं किया होता है। तो अब अपना डार्क साइड अपनी फुल पावर में होता है, दोनों अपनी 100% पावर में होते हैं। अब दोनों आपस में पंच मारते हैं, जिसमें एक सोनिक बूम करियर होता है। पर डार्क साइड दूर चले जाता है और बीरस डार्क साइड के दोनों हाथों को पकड़कर उखाड़ देता है। डार्क साइड अपने दोनों हाथों को रीजनरेट करने की कोशिश करता है, पर बीरस नहीं करने देता और बीरस डार्क साइड के दोनों पैर को भी काट देता है और डार्क साइड के मुँह को ज़मीनदार जोर पर मारता है और डार्क साइड को हकाय करने में कामयाब रहता है और डार्क साइड उसी हकाय से ही इरेज हो जाता है। तो बीरस ही मैच जीत जाता है, पर बीरस जीतने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो विस वहाँ आकर बीरस को उठाकर ले जाता है और ग्रैंड पिस्ट कहता है कि इस मैच का विनर हो गया बीरस। तो ग्रैंड पिस्ट अगला वॉरियर और अपने अगला मैच अनाउंस करता है, जो कि होता है
ड्रैगन बॉल के गोकू और डीसी यूनिवर्स के लूसिफर के बीच। सारे हैरान हो जाते हैं डीसी यूनिवर्स वाले कि अब तो गोकू गया। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है लूसिफर हंसता है और कहता है यार मेरा लड़ने का मूड नहीं है, पर गोकू कहता है तुम्हें लड़ना पड़ेगा बॉय। और गोकू जोरदार पंच लूसिफर के मुंह पे मारता है, पर लूसिफर वहां से एक इंच भी नहीं हिलता। गोकू अपनी बेस फॉर्म में होता है और देखता है गोकू मतलब लूसिफर की बॉडी से कैसी वेव निकलती है जिससे गोकू अपने आप पीछे चले जाता है और गोकू बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। गोकू को मुंह से खून आने लगता है, गोकू जमीन पर बैठ जाता है और गोकू कहता है ये क्या हो रहा है। गोकू बिना टाइम वेस्ट के समझ जाता है कि लूसिफर कोई ऐसा वैसा बींग नहीं है और वो सीधा ही अपने सुपर सैयन ब्लू में आ जाता है और अपने लूसिफर से लड़ने लगता है। पर वो लूसिफर के सामने कुछ नहीं होता। लूसिफर हंसते हंसते गोकू के पेट पर एक किक मारता है और गोकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। गोकू कहता है कि मैं क्या करूँ, और गोकू अब अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में कायोकैन का इस्तेमाल करता है और अपने लूसिफर से लड़ने लगता है। पर लूसिफर आराम से बहुत इजीली बहुत मजे से लड़ते लड़ते गोकू को ओवरपावर कर रहा होता है। और लूसिफर जो है वो गोकू के मुंह पे पंचेस बरसाते रहता है, पर गोकू अब अपनी अल्ट्रा फॉर्म में आ जाता है और अल्ट्रा फॉर्म में आने के बाद वो लूसिफर के मुंह पे सक्सेसफुली एक पंच दे मारता है। पर लूसिफर को उससे कुछ भी नहीं होता। लूसिफर आराम से अपनी एक जोरदार पंच गोकू के मुंह में मारता है और गोकू जमीन पर धस जाता है। और जोरदार जो अपना लूसिफर है वो गोकू के पेट पे एक पंच मारता है जिससे गोकू 4-5 पहाड़ दूर होकर गिरता है। अब गोकू डर जाता है और गोकू अपने सुपर सैयन अपने अल्ट्रा स्पीड में ही सुपर सैयन 3 को इस्तेमाल कर लेता है और जोरदार पंचेस अपने लूसिफर को बरसाने लगता है। पर लूसिफर को उससे कुछ नहीं होता। लूसिफर जो है वो गोकू के बाल को पकड़ लेता है और उसके बाल को पकड़ते ही वो जमीन पे पटकते रहता है और उसे जमीन पे लटा के उसके मुंह पे किक्स मारता है, बहुत तरह किक्स, जिससे लूसिफर जैसे गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है। और लूसिफर गोकू के पेट पर पंच मारता है जिससे गोकू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मतलब गोकू का सर अलग, हाथ अलग, पैर अलग, और वो भी नहीं उसके हाथ पैरों को भी वो टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं। मतलब एक बार गोकू जो है गोकू के टुकड़े टुकड़े हो जाता है सिर्फ एक ही पंच में। ड्रैगन बॉल वाले रोने लगते हैं कि अब क्या होगा। गोकू अगर एलिमिनेट हो गया, अगर ग्रैंड प्री सोचता है कि अगर गोकू एलिमिनेट हो गया तो हमारा क्या होगा। गोकू अपने उसको पावर देने की कोशिश करता है अपने को, पर लूसिफर ग्रैंड प्री को रोक लेता है। तो अब हमको ऊपर से एक जोरदार रोशनी आती है और गोकू की उन टुकड़ों पर पड़ती है और गोकू वापस से रीजनरेट होता है और अब गोकू अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है जिसे हम अल्टीमेट सुपर सैयन भी कहते हैं। लूसिफर देखे हैरान होता है कि ये होकर है। लूसिफर जोरदार पंच मारते हैं गोकू के मुंह पर। गोकू सिर्फ अपने एक पंच में लूसिफर का एग्जिस्टेंट ही उड़ा देता है। लूसिफर वहीं पर एग्जिस्ट, पर डीसी वाले देखे हैरान हो जाते हैं। पर जैसे ही लूसिफर का एग्जिस्टेंट उड़ता है गोकू तभी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब अपना ग्रैंड प्रिक्स इवल ग्रैंड प्रिक्स कहता है कि इस मैच का विनर हो गया गोकू। तो अपना अल्फा ड्रैगन आर्कोन कहता है वाह गोकू तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुमसे मुकाबला तो करना ही होगा। तभी गाइस आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिल गया ऐसे एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।